नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। बेशक बिहार में कोरोना का कहर चल रहा हो, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वर्चुअल रैली करने में लगी है, तो वहीं विपक्ष सवाल की नदियां बहाने में लगा है। ऐसे में जनता की याद कब आती है, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल नवम्बर में बिहार विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, और ऐसे में इस बार भागलपुर का क्या मुद्दा रहेगा? कुछ लोग हैं हमारे साथ भागलपुर के, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सर, बरसों से मुद्दा रहा है भागलपुर का, भोलानाथ पुल, हवाई जहाज और जाम की समस्या। क्या लगता है इस बार ये समस्या हल हो जाएगी? हाल हो जाएगी इस बार। कैसे? इस बार बीजेपी का जो है कैंडिडेट जीतेगा और बीजेपी का सरकार बनेगी और कर देगा। सर, इससे पहले भी यहाँ से बीजेपी के विधायक रहे हैं तो उस समय में नहीं हुआ था। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें सेंट्रल की सहयोग थी, रेलवे की सहयोग चाहिए थी, वो सब चीज़ नहीं हो पा रहा था इसलिए। लेकिन अब तो इस समय में कोई रुकावट नहीं है, अब तो जो है सो बनेगा, अपना विधायक बनेगा, करा देगा। तो यहाँ पे सर भाजपा के प्रत्याशी आपके नज़र में कौन रहे? कोई भी ABCD कोई खड़ा होगा वह जीतेगा भाजपा से। भाजपा से, चलिए भाजपा का कैंडिडेट, कुछ और लोग हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या लगता है इस बार भोलानाथ पुल का मुद्दा खत्म हो जाएगा? यह शहर का सबसे बड़ा नासूर है यह भोलानाथ पुल। मेरे नज़र से, मेरे उम्र के पहले से यह समस्या है, और यह समस्या विगत वर्षों में हल होने वाला भी नहीं है। चुनावी मुद्दा पक्ष विपक्ष किसी का भी हो, लेकिन यह समस्या तत्काल अभी सुलझने वाला नहीं है। सर, क्या लगता है भागलपुर से कोई प्रत्याशी, कोई चेहरा आपके नज़र में जो कि इस बार बेहतर साबित हो? पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो पार्टी लड़ती है, कोई कैंडिडेट नहीं। बीजेपी की तरफ से खासकर तो यह सहमति बात है कि यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है, कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ती है। स्थानीय विधायक जो अभी वर्तमान में है वो तो एक पक्ष वो होंगे, और दूसरा पक्ष NDA के तरफ से जो भी कैंडिडेट होगा वो होगा। यानी कि इसी दोनों में जो है टक्कर हो? टक्कर, दूसरा कोई यहाँ चारा ही नहीं, किसी भी मतदाता को भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। दो धरे में मतदाता बटे हुए हैं। आपका मतलब कि कांग्रेस और बीजेपी जो है यहाँ पे महागठबंधन में, जो गठबंधन में सरकार है, गठबंधन का अगर वो कैंडिडेट होते हैं तो इधर से दूसरा बीजेपी का हो जाए, जदयू का, अभी तो कोई क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ क्या किस कौन सा पार्टी यहाँ दे रहा है कैंडिडेट, मतलब गठबंधन के तरफ से। अब जो भी देगा उसका मतदाता अपने विचार देखेंगे कि कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए सूटेबल है, उसके अनुसार काम करेंगे। आप अपना अगर निजी तौर पे बताएं तो यहाँ के कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं? मेरे तरफ से ऐसा कोई प्रत्याशी, मैंने अपना, मैं व्यक्तिगत रूप से बीजेपी का समर्थक हूँ, और यहाँ पार्टी जो भी कैंडिडेट तय करेगी वो कमल निशान को वोट जाएगा। क्या लगता है? क्या लगता है सर इस बार भागलपुर से खास करके कोई प्रत्याशी जो बेहतर कार्य कर? प्रत्याशी कोई कामयाब नहीं होता है, पार्टी कामयाब होता है। जब बीजेपी पार्टी अच्छा है तो उसी का कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा और कुछ करेगा। कोई चेहरा आपके नज़र में? न, चेहरा फेरा हमारा नज़र में नहीं चुना। क्या लगता है सर इस बार बेहतर कार्य करने वाला कोई प्रत्याशी यहाँ से आपके नज़र? बीजेपी जदयू छोड़ करके कोई मतलब नहीं है। बीजेपी चेहरा सर कोई अभी वर्तमान में यहाँ नहीं? चेहरा तो कोई अभी नज़र में नहीं है। बीजेपी से जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो उनकी जीत पक्की है। चलिए, क्या लगता है युवा हैं कि इस बार का जो मुद्दा रहा है बरसों से भागलपुर का, भोलानाथ पुल, जाम की समस्या, हवाई अड्डा, क्या लगता है इस बार भी यही मुद्दा रहेगा? हाँ, हमको लगता है यही रहेगा, क्योंकि सारा काम यदि पूरा ही हो जाएगा तो फिर इन लोगों को बोलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन इतना है कि अगर BJP हो जाए तो बहुत सारा काम पूरा हो सकता है, ऐसा लगता है, विश्वास है हमको। तो यहाँ से कोई चेहरा आपके नज़र में भागलपुर से, कोई चेहरा विधायक चेहरा? नहीं, इतना तो हमको जानकारी नहीं है, इनसे पूछिए। कोई चेहरा आपके नज़र में भागलपुर से? नहीं, हमको किसी पर बिलीव नहीं है। क्यों ऐसा, क्यों किसी पे बिलीव क्यों नहीं है? ऐसे हमको नेता पे ऐसे लगता है, क्योंकि जो बोलते वो करते हैं ही नहीं, बस इतना ही कहना चाहते। तो लगभग जितने भी नहीं सर, क्या लगता है इस बार भागलपुर सरकार बनेगा और भाजपा ही बनने के बाद कुछ कल्याण होगा?
तो भाजपा ऐसा नहीं है सर, भाजपा की तो भी सरकार रही है यहाँ पे, तो क्यों नहीं है? वो तो आप छोड़िए ना, इसके बाद बंद दीजिए, बनेगा इसके बाद होगा व्यवस्था। मतलब इस बार बनेगा तो ये समस्या एकदम समस्या होगा, पहला समस्या है, बहुत पब्लिक के कष्ट होता है, इसलिए निश्चित होगा। इससे पहले सर भाजपा का यहाँ पे विधायक रहे तो क्यों नहीं हो? ठीक है, नहीं हुआ है, लेकिन अब होगा, इस बार निश्चित होगा, पक्का होगा, एकदम एकदम। जो ही कुछ करेगा तो भाजपा छोड़ के दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप क्या सर, क्या लगता है इस बार भागलपुर का चेहरा कौन होगा और मुद्दा क्या रहेगा इस बार? देखिए, जहाँ कांग्रेस जहाँ तक सवाल है, अगर हमारा एक यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी बैठते हैं महासचिव दिलीप निराला, अगर वो भी खड़ा हो जाएंगे तो वो भी बम्पर वोट से जीतेंगे। और देखिए, यहाँ तक जहाँ तक नेता यहाँ खड़ा करने का है, तो भाजपा में आला कमान जो कहते हैं वही नेता होता है खड़ा, और वो जीतता है और यहाँ जीतेगा और वही काम करे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, सेंट्रल में भी वो है और यहाँ भी, अगर जीतता है भाजपा तो काम होगा, अन्यथा काम नहीं होगा। नहीं तो इससे पहले भी सर देखा जाए, कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं ना था, वहाँ दूसरा था, कांग्रेस था, कांग्रेस था, इसलिए वो होने नहीं देगा। तो इस बार क्या लगता है? इस बार भाजपा यहाँ से जीतेगी और काम होगा। तो कैंडिडेट कैसा, कोई चेहरा? देखिए सर, कैंडिडेट बोले ना हम कि भाजपा में कैंडिडेट वहीं से होता है, आला कमान जिसको कहेगा सबको मानना पड़ता है। तो यहाँ स्थानीय तौर पे कोई चेहरा आपकी नज़र में? अब हम देखिए, हम तो एक ही बात हम बोल दिए कि जो वहाँ से ऊँचाएंगे वही होगा, अब जीतेगा वही। ये किस दावे के साथ कहते हैं कि वो जीतेगा? ऐसा हम देखते हैं, ऐसा होते आ रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं। नहीं, अगर लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि भाजपा समर्थक को बैठा के डिबेट किया जा रहा है, ऐसा ऐसा बात नहीं। 20 वर्षों से जो है यहाँ पर बीजेपी का शासन था, बीजेपी का विधायक था लगातार, कभी कोई दूसरा पार्टी नहीं हुआ। ये बीच में जो है अपने बीजेपी में जो है अपना में जो है बिखराव हो गया, अथी हो गया, बीजेपी में क्या ठो कैंडिडेट खड़ा हो गया, जिसके चलते कि जो है कांग्रेस को ये मौका मिल गया थोड़ा वोट से जीतने का, इसलिए यह सीट तो बीजेपी की है ही है। अब बीजेपी में जिस कैंडिडेट को दे देगा, मान लीजिए हम तो पहले ही कहे किसी को देगा वही कैंडिडेट हम लोगों का होगा। हमारा एक तो कैंडिडेट हाँ, ये तो अभी हाँ, इनको चांस तो अभी नहीं देख रहा, लेकिन मिल जाएगा ये निराला जी को, तो दिलीप निराला, अच्छा, तो यो जीत जाएंगे, भाजपा के उपाध्यक्ष हैं यहाँ का जिला के, आज नहीं आया, हाँ वो जीत जाएंगे निश्चित है। दूसरा तीसरा का तो बात छोड़िए, दूसरा तीसरा का तो जो है सो बहुत लोग दौड़ काम करने वाले हैं, नौजुवक भी हैं काम, और इनको ज्ञान भी है, कहने का मतलब कि तो अगर ये इनको मिलता है ये भी जीत जाएंगे तो काम करेंगे। तो खासकर यहाँ पे जितने भी लोग थे, कहीं जो है जनता ये ना सोचे कि समर्थक भाजपा समर्थक को बैठा कर डिबेट किया जा रहा था, तो ये सब लोगों की राय थी। और मेरी भी कोशिश रहती है कि हम भागलपुर के विधानसभा के जो चुनाव होने हैं भागलपुर में, उससे रिलेटेड जो भी लोगों के मन में विचार चल रहे हैं वो हम आप तक पहुँचाएँ, और अगली बार भी हम किसी दूसरे जगह से किसी अलग मुद्दे पर हम आपको जानकारी देंगे और लोगों की राय पहुँचाएँगे। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाकर सवाल रखिए, अगली बार आपके सवाल को हम जनता तक रखेंगे। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सुमित राज मौजूद हैं।